इंदौर में ऑक्सीजन की कमी से अब अस्पताल के बाहर किसी की जान नहीं जाएगी। जी हां, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की पहल के बाद इंदौर के कई लोग आगे आए और उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन की व्यवस्था की। ये मशीनें अस्पतालों के बाहर लगाई जाएंगी जिससे मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया हो सके। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की पहल के बाद कई सामाजिक संगठन व समाज के लोग आए और उन्होंने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीनों की व्यवस्था करवाई। ऐसी 10 मशीनों को आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर लगवाया ताकि अस्पताल के बाहर किसी मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हो। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल मौजूद रहे। एक खास बात यहां देखने को मिली कि इस दौरान भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय भी अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस विधायक के इस काम को देख वे रुक गए और उनके काम की प्रशंसा भी की। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि जनता के सहयोग से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर लगवाया गया है। वहीं शुक्रवार को अभिनेता सोनू सूद द्वारा भेजी जा रही 10 मशीनों को दूसरे अस्पतालों के बाहर लगवाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे इंजेक्शन की व्यवस्था करवाएं। तो इंदौर वासियों का इतना सपोर्ट मिला और फिल्म नेता यानी सोनू सूद जो हिंदुस्तान के अंदर सब जगह मदद कर रहे हैं, उनको जैसे ही मालूम पड़ा तो उनने मुझे बोला तो भेजा कि 10 मशीन मैं अपनी ओर से भेज रहा हूँ, उनकी मशीन आज शाम को या कल तक आ जाएगी, तो कल हम MTH में उनके द्वारा 10 मशीन लगाई जाएगी। परंतु हम विशाल पटेल जी, विनय बाकलीवाल जी द्वारा लगातार इंदौर के हर समाज के हर उद्योगपति का हर बड़े घराने या मतलब मीडियम परिवार के 5-5 लोग इकट्ठा करके हमको मशीनें दे रहे हैं। अब तो हमको ये चीज़ होगी कि मार्केट में जैसे वैक्सीन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन कम पड़ गया तो ये मशीनें कम ना पड़ जाए, कि लोगों ने हमको इतना दान करने के बोला है जो अभियान हमने चलाया था, इसलिए इंदौर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि हम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है। उन्होंने CM को राधा स्वामी सत्संग सेंटर को कोविड सेंटर बनाने पर धन्यवाद भी दिया। उन्होंने इंदौर के दानदाताओं से अपील की है कि वे सरकार का नियमबद्ध होकर सहयोग करें। कि जनप्रतिनिधियों का दायित्व सिर्फ क्रिटिसिज्म विपक्ष के नहीं हो सकता, हम सबको मिलके भी लड़ना है, एक साथ लड़ना है। ये पेंडेमिक आया है, ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें एकजुटता चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। मैंने एक उनसे आग्रह किया था कि राधा स्वामी सत्संग का सेंटर अगर आप इसको कोविड में बदलोगे कोविड सेंटर में, तो 7,000 से ज़्यादा बेड वहाँ लग सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था सत्संग कर सकता है। अगर ये बात मैंने पत्र में लिख के भी कही थी, कलेक्टर से जब हमारी मीटिंग हुई थी तब भी कही थी। संजय शुक्ला लगातार कर रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय साथ है, विशाल पटेल और ये दिन रात भटकते रहते हैं। एजिटेशन की बात आती है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात आती है, वो भी हम करते हैं, वो काम है हमारा। पर ये भी सबको मिलकर लड़ना, ये भी काम है। फिर से आग्रह इंदौर वासियों से, दानदाताओं से, परिवार के उन लोगों से जो सेवा देना चाहते हैं, इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती, धर्म नहीं हो सकता इस दौर में। इधर भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह जी से गुजरात के CM व अनंत अंबानी से चर्चा कर 60 टन ऑक्सीजन रिलायंस ग्रुप इंदौर को दे यह सुनिश्चित किया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण बेड नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के काम की सराहना भी की। जानकारी होगी कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी अभी अमित शाह जी से और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी से और अनंत अंबानी जी से बात करके 60 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन रिलायंस ग्रुप इंदौर को दे ये सुनिश्चित किया है। अब से 100 टन ऑक्सीजन गुजरात से हमें रोज मिलेगी, ये तय हुआ है। तो अभी तक जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर बेड्स और बढ़ सकते थे, मगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोग नहीं बढ़ा पा रहे थे। MTH में बेड्स बढ़ सकते हैं, मगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं बढ़ा पा रहे थे। तो ऐसी जगह बेड्स अब बढ़ सकेंगे, तो मैं तो दौरा करने आया था कि कहाँ कहाँ कितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ सकते हैं, मगर इतना अच्छा काम संजय भैया ने यहाँ पर किया है। हमारे कांग्रेस के साथी विशाल भैया, आदरणीय बाकलीवाल जी, जीतू भैया और पूरी टीम ने यहाँ पर ऑक्सीजन की मशीनें डोनेट की है,
तो मैंने सोचा क्यों ना इस नेक काम में मैं भी इनका उत्साहवर्धन करूं, इसलिए मैं यहां पर अभी उपस्थित हूं। मैं संजय भैया और पूरी टीम को, विशाल भैया, जीतू भैया, विनय भैया और पूरी टीम को इस नेक काम के लिए बधाई देता हूँ। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला ने कहा कि अस्पताल के बाहर यदि किसी मरीज को जरूरत पड़ेगी तो इस मशीन के जरिए उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करा दी जाएगी। कुछ मशीनों को MRTB व MTH अस्पताल में भी पहुंचाया जाएगा। पेशेंट्स जो आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको किसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो इन कॉन्सेंट्रेटर्स के द्वारा जो है उनको उसी समय जो है ऑक्सीजन हम लोग दे देंगे। और यही जो है वो कुछ मशीनें हम लोग MRTV और MTH में भी जो है वो पहुंचा देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कंटिन्यूसली मरीज आते हैं, उसको जो है हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो है फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल देखा जाए तो इंदौर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए जहां विधायक संजय शुक्ला ने मशीनों का इंतजाम किया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।